बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सरत एंड यू आर वाचिंग 5 W's ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, ओथेलो के एक्ट 3 का सीन 3 वेनिस के गार्डन में डेसिमोना ने कैसियो का केस ओथेलो के सामने पेश कर दिया है, जिसके बाद ओथेलो मान जाता है कि कैसियो जब चाहे वो अपनी ड्यूटी पर वापस आ सकता है। इसके बाद ओथेलो डेसिमोना से कहता है कि वो कुछ देर के लिए उसे तना छोड़ दे, जिस पर डेसिमोना और अमिलिया वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ओथेलो कहते हैं एक्सलेंट रैच, रैच मिजरेबल पर्सन को कहते हैं, लेकिन ओथेलो ने एक्सलेंट रैच का वर्ड डेसिमोना के लिए यूज़ किया है। उसे कहते हैं ए खूबसूरत जालिम इंसान, परडिशन कैच माय सोल, परडिशन कंप्लीट एंड अटल रून, मुकम्मल तबाही बर्बादी। परडिशन क्रिस्टन थियोलॉजी में उस अजाब को कहते हैं जो कि एक गुनाहगार इंसान को उसकी मौत के बाद मिलता है। ओथेलो कहता है चाहे मेरी रूह को अजाब पकड़ ले, बट आई डू लव दी, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा। एंड व्हेन आई लव दी नॉट, और जब मैं डेसिमोना से प्यार नहीं करूँगा, डेसिमोना जब मैं तुम्हें प्यार नहीं करूँगा, क्योस इज कम अगेन, क्योस अटर कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर, मुकम्मल बेतरतीबी और बेसकूनी की हालत जैसे कि दुनिया बनने से पहले थी। ओथेलो कहता है जब मैं डेसिमोना से प्यार नहीं करूँगा तो दुनिया में बिल्कुल वैसे ही बेतरतीबी हो जाएगी जैसे कि दुनिया बनने से पहले थी। आयागो कहता है माय नोबल लॉर्ड, मेरे मुअज्जज़ आका ओथेलो, व्हाट डोस दोस से, आयागो कहो क्या कहना चाहते हो। आयागो डिड माइकल कैसियो, क्या माइकल कैसियो, व्हेन यू वुड माय लेडी, जब आपका हमारी बेगम साहबा से मोहब्बत का चक्कर चल रहा था, नो ऑफ योर लव, क्या उसको इस मोहब्बत का पता था। ओथेलो ही डिड फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, हाँ उसे शुरू से लेकर आखिर तक हर बात का पता था। व्हाई दोस्त दो आस्क, तुमने इस बारे में क्यों पूछा। आयागो बट फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ माई थाट, मैंने तो सिर्फ अपने ख्याल की तसल्ली के लिए पूछा है, नो फर्दर हार्म, इसका मकसद किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं था। ओथेलो वाई ऑफ द आई थाट, आयागो कौन सा ख्याल है, आयागो मुझे इस ख्याल के बारे में बताओ। आयागो आई डिड नॉट थिंक ही हैड बीन एक्यूएंटेड विद हर, मैं समझता था कि कैसी हो हमारी बेगम साहबा से वाकिफ़ नहीं है, एक्यूएंटेड फेमिलियर, वाकिफ होना। ओथेलो ओ यस, हाँ हाँ, एंड वेंट बिटवीन अस वेरी आर्ट, वही तो था जो हमारे दरमियान एक दूसरे के पैगाम एक दूसरे को दिया करता था, पहुँचाया करता था। आयागो इंडीड रियली, क्या वाकई। ओथेलो कहता है इंडीड ए इंडीड, इस वाकई से क्या मुराद है, तुमने ये कैसे कहा। डिसंस तो आर्ट इन दैट, क्या तुम्हें इसमें कोई और चीज़ दिखाई दी है। इज़ ही नॉट ऑनेस्ट, क्या कैसियो ईमानदार नहीं है। आयागो ऑनेस्ट माई लॉर्ड, आपने क्या कहा मेरे आका, ईमानदार। ओथेलो ऑनेस्ट ए ऑनेस्ट, हाँ मैंने ईमानदार ही कहा है। आयागो माई लॉर्ड फॉर आर्ट आई नो, ये सब कुछ तो वही है जो मैं जानता हूँ, आर्ट एवरी थिंग नथिंग, मैं या तो मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। ओथेलो व्हाट डोस दो थिंक, तुम्हारा क्या ख्याल है। आयागो कहते हैं थिंक माय लॉर्ड, मेरे आका सोचिए। अब आयागो इस तरह से अपनी जेलसी कंपेन को स्टार्ट कर रहा है, वो ओथेलो को मजबूर कर रहा है कि वो कैसियो पर शक करना शुरू कर दे। इस पर ओथेलो कहता है थिंक माय लॉर्ड, मेरे आका सोचिए, इससे तुम्हारी क्या मुराद है। अलास अफसोस दो इकोस में, तुम तो मेरे अल्फाज दोहरा रहे हो, यानी जो मैं कह रहा हूँ तुम उसी को दोहरा रहे हो। As if there were some monster in thy thought, too hideous to be shown. ऐसा लगता है monster, भूत, कि तुम्हारे अंदर कोई भूत है। In thy thought, तुम्हारे ख्यालों में कोई भूत छुपा हुआ है। Too hideous to be shown, कि तुम इसे जाहिर करने से छुपा डर रहे हो, उसको सामने नहीं ला रहे। दो दोस्त मीन समथिंग, और तुम्हारे अंदर कोई ना कोई बात है जिसको तुम बताना चाहते हो, तुम्हारा कोई मतलब है। आई हर्ड दी, मैंने तुम्हें ये कहते हुए से, आई हर्ड दी से, मैं तुम्हें ये कहते हुए सुना था। इवन नाउ दो लाइक्स नॉट, कि तुमने पसंद नहीं किया। दैट व्हेन कैसियो लेफ्ट माय वाइफ, जब कैसियो मेरी बीवी के पास से रवाना हो रहा था, मैंने तुम्हें ये कहते हुए सुना था कि तुमने इस बात को पसंद नहीं किया। What did it not like? तुमने किस बात को पसंद नहीं किया। And when I told thee, he was of my counsel of my whole course of wooing. जब मैंने तुम्हें बताया कि वो मेरी मोहब्बत के पूरे जो इस मामले के दरमियान वो मेरा कौंसल था, वो मेरा राजदान था, वो मेरे हर बात में मेरे साथ शामिल था। दो क्राइड्स इंडीड, तो तुमने चलाते हुए कहा रियली, क्या वाकई। एंड डिस कंट्रैक्ट एंड पर्स द आईब्रो टुगेदर, और तुमने अपनी जो आईब्रो को इस तरह से उठाया था
as if thou then hadst shut up in thy brain, कि जैसे कि तुमने अपने दिमाग में बंद करके रखा है किसको, some horrible conceit design, किसी ख्याल को, जैसे कि तुमने अपने दिमाग में किसी खौफनाक ख्याल को छुपा कर रखा हुआ है. if thou dost love me, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, show me thy thought, तो अपना ख्याल जो है वो मुझ पर जाहिर कर दो, मुझे अपने दिल की बात बता दो. आयागो माय लॉर्ड, मेरे आका, यू नो आई लव यू, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ. ओथेलो आई थिंक दो दोस्त, मेरा ख्याल है तुम करते हो. एंड फार आई नो, और क्योंकि मैं जानता हूँ, दो आर फुल ऑफ लव एंड ऑनेस्टी, कि तुम्हारे अंदर मोहब्बत और ईमानदारी जो है वो भरी हुई है. एंड वेर इज दाई वर्ड्स बिफोर दो गिव्स देम ब्रेथ, और तुम मेरे सामने अपने अल्फाज को अदा करने से पहले सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो. Therefore, these stops of thine, इसी वजह से तुम्हारे ये stops हैं, pauses हैं, ये जो तुम्हारी हिचकिचाहट है, fright me the more, fright, frighten करना, ये तुम्हारी जो हिचकिचाहट है, बात करते हुए जो रुक जाते हो, इससे मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा है. For such things in a false, disloyal knave are tricks of custom. कस्टम, हैबिट, आदत, नेव, रोग, आवारा बदमाश शख्स को कहते हैं. क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, सच थिंग्स, ऐसी सारी चीज़ें जो हैं, एक फॉल्स धोखेदार, डिसलॉयल, बेवफा शख्स में, आवारा बदमाश शख्स में तो समझा जा सकता है कि ये उनकी आदत है, ये उनकी रूटीन की बात है. बट इन अ मैन डैट्स जस्ट, लेकिन एक ऐसे ईमानदार शख्स में तो समझा जा सकता है कि, लेकिन अगर हम ईमानदार शख्स की बात करें, दे आर क्लोज डायलेशंस, क्लोज सीक्रेट हिडन, खुफिया पोशीदा डायलेशंस, चार्ज ख्यालात, लेकिन एक ईमानदार शख्स में तो ये सारे उसके पोशीदा ख्यालात होते हैं. वर्किंग फ्राम द हार्ट, जो कि उसके दिल से निकल रहे होते हैं. डैट पैशन कैन नॉट रूल, जिसको उसके जो जज्बात हैं वो छुपा नहीं सकते, यानी पैशन उस पर, जज्बात उस पर हावी नहीं हो सकते. एगो कहते हैं फॉर माइकल कैसियो, लेकिन माइकल कैसियो के बारे में आई डेयर बी स्वॉर्न, मैं कसम खा सकता हूँ, आई थिंक मेरा ख्याल है दैट ही इज़ ऑनेस्ट, के वो तो एक ईमानदार आदमी है. अब एगो जो है वो इस तरह से प्रिटेंड कर रहा है कि वो कैसियो को ईमानदार समझता भी है और नहीं भी समझता, इस तरह से शो कर रहा है कि उसके बारे में कोई और पोशीदा बात भी है. उथेलो कहता है आई थिंक सो टू, मैं भी समझता हूँ कि कैसे वो ईमानदार शख्स है. अब दोबारा एगो कहता है मैन शुड बी व्हाट दे सीम, इंसान को वैसा ही होना चाहिए जैसा वो दिखाई देता है, यानी इंसान का जो जाहिर है उसके बातन के मुताबिक होना चाहिए. और दोज दैट बी नॉट, और जो आदमी ऐसे नहीं होते, यानी जिनका जाहिर और बातन एक जैसा नहीं होता, वुड दे माइट सीम नन, तो ऐसा होना चाहिए कि उन्हें कोई इंसान ही ना समझे. उथेलो कहता है सर्टन यकीन मैन शुड बी व्हाट दे सीम, इंसान को वैसा ही दिखाई देना चाहिए जैसा वो है. आई गो वाई देन आई थिंक कैसियो इज़ एन ऑनेस्ट मैन, लेकिन मेरा ख्याल है कि कैसियो जो है वह एक ईमानदार आदमी है. अब आयागो इस बात को बार बार रिपीट करता है कि कैसियो जो है वह एक ईमानदार आदमी है, जिस पर उथेलो को शक पड़ जाता है. वो कहता है नहीं नहीं यार, देर इज़ मोर इन दिस, इसमें कोई और बात भी छुपी हुई है. आई प्रीथी स्पीक टू मी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे सामने कह दो, एज टू दो आई थिंकिंग, जो कुछ तुम सोच रहे हो, एज दो दोस्त रूमिनेट, रूमिनेट थिंक डीपली, गहरा सोचना, जिसके बारे में तुम गहरा सोच रहे हो या तुम्हारे अंदर जो गहरी सोच है वो सामने कह दो. एंड गिव द वर्स्ट ऑफ थॉट्स, अपने बुरे से बुरे ख्यालात को, द वर्स्ट ऑफ वर्ड्स, उसको अपने बदतरीन अल्फाज में मेरे सामने पेश करो, लेकिन आप अपने बेस्ट वर्ड्स को कमेंट्स में लिखिएगा. आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़.